माय चैनल लिटिल थिंग्स बाय मुस्कान। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। आज की वीडियो मीशो हॉल वीडियो होने वाला है। रिसेंटली मैंने मीशो से कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करे हैं एंड कुछ रेंडम प्रोडक्ट्स परचेज करे हैं एंड आई एम अमेज्ड टू सी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन सच अ चीप प्राइस। एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस अपना रिव्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो पहला प्रोडक्ट जो मैंने मीशो से परचेज किया है वो है ये इयररिंग्स। ये पर्ल इयररिंग्स हैं। आई गॉट देम फॉर 29 रुपीज ओनली। या 29 के हैं ये सिर्फ। एंड ऐसा नहीं है 29 के हैं तो जो उसकी मोती है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या फिर लॉक अच्छा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, शाइनिंग नहीं होगी। बहुत अच्छी क्वालिटी है, शाइनिंग भी बहुत अच्छी है एंड 29 में बहुत बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट परचेज भी ज्वेलरी ही है, लाइक इयररिंग्स ही है एंड आई विल शो यू। ये सिल्वर कलर के इयररिंग्स हैं एंड इस पे बहुत ही सुंदर सा ये स्टोन टाइप मिरर वर्क हो रहा है एज यू कैन सी एंड काफी बड़े इयररिंग्स हैं ये। ये वाले इयररिंग्स आपको इंस्टाग्राम पे जो ज्वेलरी पेजेस होते हैं उन पे भी मिल जाएंगे एंड आई गेस मिंत्रा पे भी मिल जाएंगे। मैंने काफी ब्यूटी ब्लॉगर्स को, काफी लोगों को ये वाले इयररिंग्स पहनते हुए देखा है एंड ये मेरे विशलिस्ट में काफी टाइम से थे। बट आई थिंक इंस्टाग्राम के पेज पे ये 300-350 के मिल रहे थे मुझे। मुझे लगा कि काफी महंगे हैं उस हिसाब से एंड शिपिंग अलग से लग रही थी। बट जब मैंने ये मीशो पे देखे तो आई वॉज लाइक मुझे ये लेना है, सबसे पहले मुझे यही परचेज करना है। एंड मीशो पे मुझे ये सिर्फ 150 रुपीज के मिले। इसकी जो क्वालिटी है बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी है। इसकी जो पैकेजिंग थी वो भी बहुत अमेजिंग थी। ऐसे ये बॉक्स में आया था, देन ऐसे पॉलिथिन में रैप होके आया था। काफी अच्छे से ये रैप करके दिया था मीशो ने। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ ज्वेलरी। इस टाइप का चोकर सेट है ये। इसके साथ ये इयररिंग्स हैं। इसमें कुछ इस टाइप का बीच में स्टोन वर्क हो रहा है एंड यहाँ पे साइड में इसमें ऐसे मोती हैं, पर्ल्स हैं। बहुत ही प्रिटी एंड डिसेंट सा चोकर सेट है ये। हर एक आउटफिट पे मैच करेगा। रेड कलर का है तो आई थिंक हर एक आउटफिट पे जाएगा। वैसे कलर ऑप्शन काफी सारे थे, ग्रीन, ब्लैक, रेड, पिंक, येलो। आई गॉट दिस फॉर 205 रुपीज ओनली एंड इसकी जो क्वालिटी है काफी अच्छी है। 205 रुपए के हिसाब से बहुत अमेजिंग क्वालिटी है। ऐसे वाले चोकर सेट मैंने मिंत्रा पे और भी काफी वेबसाइट पे देखे हैं बट थोड़े कॉस्टली लगे मुझे एंड यहाँ पे मुझे सबसे सस्ती और बहुत ही अच्छी स्टील डील मिली। यू नो वॉट गाइज, जब मैं मीशो पे ऐसे प्रोडक्ट्स देख रही थी तो मुझे एक पॉइंट पे ऐसा फील हुआ कि ये सरोजनी मार्केट है, मैं सरोजनी मार्केट में घुस गई हूँ और सारे प्रोडक्ट्स वही हैं। सारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे लग रहे थे, मुझे सब पसंद आ रहा था और सबके प्राइस इतने रीजनेबल थे कि बस ये था कि ले लो सब। और प्रोडक्ट्स भी जो है मीशो पे वो काफी सिमिलर है, वो ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सरोजनी में भी मिल जाएंगे। एंड प्राइस की यहाँ बात करूँ तो प्राइस भी बिल्कुल सिमिलर है, सेम है। तो या मेरे लिए इट वॉज अ सेकेंड सरोजनी मार्केट। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगेगा बट मैं ये सोच रही थी अब तक मैंने ये मीशो क्यों नहीं ट्राई किया। तो अगर आप भी ऐसे हो, आपने आज तक मीशो ट्राई नहीं किया है तो एक बार जरूर ट्राई करना। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैंने ये बैग परचेज किया है मीशो से एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ये क्रीम कलर का स्लिंग बैग है। आई गॉट दिस फॉर 250 रुपीज ओनली। 250 का बैग है ये एंड 250 के हिसाब से काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी। बस मुझे इसकी चेन की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं लगी, थोड़ी हल्की है। अदरवाइज बैग की क्वालिटी, बेल्ट की क्वालिटी, चेन की क्वालिटी, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अंदर से कुछ ऐसा है ये, अंदर सिर्फ एक चेन है, आप इसमें कैश, कार्ड कुछ भी रख सकते हो। एंड छोटू सा क्यूट सा बैग है, आजकल काफी ट्रेंडिंग में है ये वाले बैग, बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट आई गॉट दिस ब्लाउज। ये ब्लैक कलर का ब्लाउज है एंड इस पे बहुत ही प्यारा सा ये बहुत ही हैवी मिरर वर्क का और एम्ब्रॉयडरी का काम हो रहा है। आई विल शो यू। बहुत ही प्रिटी ब्लाउज है ये। ये फ्रंट है ब्लाउज का एंड ये है बैक। काफी है, काफी है।
वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी हो रही है एंड कट स्लीव्स का है बट इसके अंदर स्लीव्स हैं। अगर आप कट स्लीव नहीं पहनते हो तो आप स्लीव्स लगा सकते हो। इसका जो एमआरपी है वो 330 रुपीज है। मुझे 330 रुपीज का ये ब्लाउज मिला। इसमें काफी सारे कलर हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, पिंक, सब कलर्स अवेलेबल हैं। मैंने ब्लैक कलर का लिया ये सोच के कि सब पे मैच करेगा। अगर कोई प्लेन साड़ी है या फिर मेरे पास कोई प्लेन स्कर्ट है तो ये ब्लाउज मैं पहन सकती हूँ। अगर आप चाहो तो आप ब्लैक कलर ले सकते हो, आपको जो पसंद आया वो कलर ले सकते हो, बट ये ब्लाउज एक बार जरूर जरूर ट्राई करना। 330 रुपीज का इतना हैवी ब्लाउज इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। मैं इसको पहन के नहीं दिखा सकती हूँ, सॉरी, क्योंकि ये मेरी फिटिंग का नहीं है। अभी मैं इसको फिट कराऊंगी। क्वालिटी बहुत अच्छी है इस ब्लाउज की और पैडेड ब्लाउज है, इसमें ऑलरेडी पैड लगे हुए हैं ऐसे। नेक्स्ट मैंने मीशो से बूट्स परचेज करे हैं। टाना, लेदर के बूट्स हैं ये, ऑब्वियसली प्योर लेदर नहीं है। 2.5 के आसपास इसकी हील है एंड इसका जो एमआरपी है वो 500 है। आई गॉट देम फॉर 500 रुपीज एंड 500 के हिसाब से क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं बोलूंगी बट 500 के हिसाब से काफी अच्छी क्वालिटी है। 500 में आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। मैंने मीशो से एक साड़ी परचेज करी है। ये प्लेन सिल्की ग्रीन कलर की साड़ी है। जब मैं मीशो पे देख रही थी तो सबसे पहले मुझे ये साड़ी दिखाई दी 200 रुपए की एंड आई वाज लाइक 200 रुपए की साड़ी। जिस मॉडल ने पहन रखी थी काफी अच्छी लग रही थी और लोगों के रिव्यूज भी मुझे अच्छे लगे, सो आई वाज लाइक ये मुझे परचेज करनी है। पहनू ना पहनू पर देखना जरूर है कैसी है। सो आई गॉट दिस साड़ी और इसको साड़ी नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल प्लेन फेब्रिक है ये। 5.5 मीटर का फेब्रिक दे दिया है आपको। अब आप इसकी साड़ी बनाओ, सूट बनाओ, लहंगा बनाओ, कुछ भी बनाओ, सो इट्स टोटली अप टू यू। क्वालिटी की बात करूं तो 200 रुपए के हिसाब से ठीक है, क्वालिटी बुरी नहीं है। आप इसकी लहंगा बना सकते हो, लाइक आप इसकी स्कर्ट बना सकते हो, सूट बना सकते हो, गाउन बना सकते हो या फिर साड़ी बना सकते हो, जो आपका मन करे। मेरे को क्वालिटी सही लगी, 200 के हिसाब से अच्छी है, सो यू कैन ट्राई दिस आउट। काफी सारे कलर्स हैं इसमें। मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो डू चेक दैट आउट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।